हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए दाल को भिगो के रखा था ताकि उसमें जो भी मिट्टी के कण होते हैं ना वो मेल्ट हो जाए और हमारे खाने के टाइम पर वो मिट्टी हमारे दांतों में ना आए और हमारा दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से रखनी ज़रूर चाहिए। उसके बाद फिर मैंने दाल में फ़िल्टर वाटर डाला, हल्दी नमक डाल के उसको बंद कर दिया और 15 मिनट्स के लिए इसको रखूँगी। और यहाँ पर मैं गार्लिक निकाल रही हूँ, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रखूँगी और जब तक वो होगा तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और आज मैंने बनाई थी साथ में एक चटनी भी, जिसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, मिल नहीं जाएगी, इससे पहले आपको मिल गई है, आपने देख भी ली है। वो मेरी फेवरेट और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो होता है ना चिकन, कौन सा चिकन होता है वो अभी मुझे नहीं पता है, वो मैं ज़्यादा तौर पर खाती हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है। वो सीखों के ऊपर टांग कर रखते हैं और मार्केट से लेकर आते हैं, वो बना बनाया मिलता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं पुदीना वगैरह लेकर रखती हूँ। और जब भी मतलब विंटर में हम लोग ज़्यादा मैं ये चटनी बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बनाई नहीं थी तो मुझे लगा चलो आज बना लेते हैं। तो मैंने 2-3 दिन के लिए थोड़ी सी आज बनाई थी, थोड़ी सी मैंने परसों चौथ बनाई थी। और ये लच्छे के पराठे के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, और नॉर्मल पराठे के साथ भी अच्छी लगती है लेकिन लच्छे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये चटनी बनाई थी और आप रेसिपी अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और यहाँ पर मुझे आज पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे लगा आज कंफर्टेबल बैठ के बाहर अपना काम किया जाए तो यहीं पर बैठ के आज मैंने अपना काम किया। फिर मैं आटा भी इधर ही लेकर आ गया, आटा भी इधर ही गूंदा, सब कुछ मतलब हर काम अपना इधर ही बैठ के किया आज। तो बस अभी मैं इधर से चली जाऊँगी, अंदर जाऊँगी, दाल को तड़का वड़का लगाना है तो दाल भी सीटियाँ आ रही है उसकी। तो बस जब तक मैंने ये सब काम किया तब तक मेरी दाल भी बन गई। और स्पेशली मुझे गार्लिक छीलने को टाइम लग गया था क्योंकि मैं पहले ही छील के रखती हूँ ना, इसलिए तो फिर संडल ही छीलना पड़े तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पहले ही स्टॉक कर रख देती हूँ रेडी करके फ्रिज में। तो मैं जा रही हूँ किचन में और अगेन जो मेरा पानी था आटे वाला वो पानी मैं प्लांट्स को डाल दूँगी। मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं पानी की बचत करूँ, वेस्ट ना करूँ पानी। तो मैं इस तरीके से जो भी पानी होता है वो मैं प्लांट्स के ऊपर डाल देती हूँ या फिर मैं टब के अंदर डालती रहती हूँ तो वो पानी मैं डाल देती हूँ प्लांट्स को। तो यहाँ पर डाल दिया है और अभी जाऊँगी शायद किचन में। तो आप मेरा वीडियो इंजॉय कीजिए। और आपने इसका शॉर्ट वीडियो देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, मैंने थोड़ा बहुत लिया था, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आ गए हमारे कौवा राजा, आज मैंने उधर बहुत ज़्यादा धूप थी ना तो इसकी पेडिग्री मैंने इस तरफ रख दी तो ये यहाँ इसे खा रहा है। एक ही आया आज, 2-3 नहीं आए, मुझे लगा था ज़्यादा आएंगे लेकिन एक ही था। तो उसको जितनी खानी थी खा रही है। यहाँ पर मैंने ले ली है दाल में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, मुझे लगा अभी फ्रिज में रखूँगी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो इसलिए मैंने पानी को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिर इसको इस पानी इसके अंदर डाला ताकि हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने डाला है गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च और करी लीव्स। आज मैंने तड़का थोड़ा स्पेशल तरीके से लगाया है, तड़का हो गया रेडी और यहाँ पर हो गई हमारी दाल भी। तड़का मतलब कि उसके अंदर डाल दिया है और उसका वीडियो आपको मिलेगा शॉर्ट में या फिर जस्ट ऐसे मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा वीडियो चल जाते हैं तड़के वाले। तो फिर मैंने तड़का डालते हुए दिखाया नहीं है तो यहाँ पर मैं ढक्कन देख रही थी कौन सा ढक्कन आएगा। तो देख बाद में मैंने फिर रोटी बना ली और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपनी प्लेट और साथ में बनाया था लच्छे का पराठा और आप देख सकते हैं। और साथ में चटनी भी मैंने जो कल बनाई थी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी, उसका क्लिप भी मैंने इसमें ऐड किया है तो आप देख लीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इसमें आपने खीर भी देखी थी, खीर मैंने नहीं बनाई थी, खीर मम्मी ने बनाई थी तो ऊपर से मिली थी मुझे। हमारे ना यहाँ पर बहुत सारे कबूतर आ रखे हैं और रोज़ खाना खाने आते हैं, हमारे घर पे नहीं खाना खाने आते, ऊपर है ना जो घर वो डालते हैं और पूरा दिन इतना ज़्यादा शिफ्ट करते हैं ना हमारे यहाँ पे। और उनके जो खम्भ वगैरह होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं और कभी कभार तो कबूतर भी गिर जाता मरा हुआ।
ऊपर से गिर जाता, पता नहीं वो कैसे गिरता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो मैं उठा के ऐसे रख देती हूँ, कभी कभार तो वो लोग ऊपर से गिरते हैं तो वो मर जाते हैं, तो फिर उठाना मुश्किल हो जाता है। तो वही देख रही थी उनको उड़ाऊँ कैसे। एवरीडे तो मैं नहीं बोल कर सकती ना, एक बार डराएंगे दो बार डराएंगे उनको समझ लग जाएगा कि हमको डरा रही है। तो एक दो बार मैंने ट्राई किया लेकिन वो फिर से आ जाते हैं, तो फिर मैंने अभी उनको करना बंद कर दिया। लेकिन साउंड करेंगे ना तो वो भाग जाते हैं, लेकिन अभी उनको समझ आ रहा है कि ये लोग हमें डरा रहे हैं। तो इसलिए देखती हूँ रोज़ ही क्या करना है। तो ये गंदगी बहुत मचाते हैं, खाना डालना चाहिए अच्छा होता है लेकिन दूसरों के घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद फैलाता ना। हमारे यहाँ पे मनी प्लांट्स है ना, वहाँ पे पूरा शिट शिट हुआ रहता है, और ज़्यादा तौर पर उनके खम वगैरह जो होते हैं वो। तो देखती हूँ मेरी चाय बन गई है कि नहीं बनी, और चाय मुझे लगता बन भी गई है, मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही है। तो मैं अभी हस्बैंड को चाय दूँगी उठाकर। तो आज चाय मैंने बनाई है, हस्बैंड सुबह बनाते हैं, शाम को मेरी बेटी बनाती है, तो आज मैं सोई नहीं ना इसलिए बनाना पड़ा। चलो फिर रखती हूँ, आप सबको करती हूँ बाय बाय, रखती हूँ, बोलूँ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।